आज हम एक बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाएंगे जिसे हम ओवरनाइट ओट्स कहते हैं। ओट्स में बहुत सॉल्यूबल फाइबर होते हैं जो कि हमारे दिल को बहुत ही तंदुरुस्त रखते हैं। इसमें बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं जो हमारी मांसपेशियों के लिए बहुत अच्छे हैं। यह हमारे शरीर की चर्बी को भी कम करते हैं। बहुत देर तक हमें भूख नहीं लगती है ओट्स खाने के बाद। ये और बहुत सारे हमारे जो शरीर के पौष्टिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन्हें एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं। सामग्री जो कि हमें ब्रेकफास्ट बनाने के लिए चाहिए, 8 चम्मच ओट्स लिए हैं, 8 चम्मच दही, 1/4 चम्मच दालचीनी का पाउडर, यह ब्लड शुगर को भी कम करता है, 1 चम्मच शहद। शहद जैसा कि हम सब जानते हैं बहुत ही कम शुगर होती है इसमें, 1/2 चम्मच सिके हुए सनफ्लावर सीड्स, 1/4 चम्मच अलसी के सीड्स जो कि हमने सेक रखे हैं, 1 चम्मच ब्लूबेरीज, इसमें आप और भी बेरीज डाल सकते हैं, 5 से 10 बादाम कद्दूकस किए हुए या बारीक कटे हुए, फल जो भी इस सीजन में अवेलेबल हो वो डाल सकते हैं, इनको आप बारीक टुकड़ों में काट लीजिए। ओट्स बनाने के लिए एक चौड़े मुंह की कांच की बॉटल या कोई भी मर्तबान लीजिए जिसमें ढक्कन हो, उसे हम कस के बंद करके फ्रिज में रख सकते हैं। इसमें अब हम ओट्स और दही दोनों को डालकर अच्छी तरह से मिक्स करें। अब हम इन ओट्स और दही को खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम ताजे फलों को छोड़कर बाकी सारी सामग्री जो हमने इकट्ठी की है ये सब दही और ओट्स के साथ मिक्स कर लेंगे। अब जो हमने सारी सामग्री इसमें डाली है इसको खूब अच्छी तरह से मिक्स कर ढक्कन लगाकर बोतल पर इसे फ्रिज में रख देंगे। रात भर सुबह हमारा बहुत बढ़िया सा ब्रेकफास्ट तैयार हो जाएगा। अब हमने इसे फ्रिज में से निकाला है, देखिए ये कितना अच्छा गाढ़ा मिक्स बन गया है और जो ओट्स हमने डाले थे उन्होंने दही का पानी सारा पी लिया और वो फूल गए हैं। अब हम इसमें ताजे कटे हुए फल मिक्स करेंगे। अब हम इन फलों को इस मिक्स में अच्छी तरह से मिला लेंगे।
ये फल ताजे कट के डले हैं, इसलिए ये बहुत ही अच्छा सा क्रंची फील देते हैं और बहुत टेस्टी लगते हैं। अब हमारा नाश्ता तैयार है, खाइए, एंजॉय करिए और इसे आप लेकर भी जा सकते हैं, जहाँ मर्जी हो, जब मर्जी हो खा सकते हैं। कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो रेड बटन को क्लिक कर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपके पास लेटेस्ट अपडेट्स आते रहें। धन्यवाद। आज हम एक बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाएंगे जिसे हम ओवरनाइट ओट्स कहते हैं। ओट्स में बहुत सॉल्यूबल फाइबर होते हैं जो कि हमारे दिल को बहुत ही तंदुरुस्त रखते हैं। इसमें बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं जो हमारी मांसपेशियों के लिए बहुत अच्छे हैं। यह हमारे शरीर की चर्बी को भी कम करते हैं। बहुत देर तक हमें भूख नहीं लगती है ओट्स खाने के बाद। ये और बहुत सारे हमारे जो शरीर के पौष्टिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन्हें एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं। सामग्री जो कि हमें ब्रेकफास्ट बनाने के लिए चाहिए, 8 चम्मच ओट्स लिए हैं, 8 चम्मच दही, 1/4 चम्मच दालचीनी का पाउडर, यह ब्लड शुगर को भी कम करता है, 1 चम्मच शहद। शहद जैसा कि हम सब जानते हैं बहुत ही कम शुगर होती है इसमें, 1/2 चम्मच सिके हुए सनफ्लावर सीड्स, 1/4 चम्मच अलसी के सीड्स जो कि हमने सेक रखे हैं, 1 चम्मच ब्लूबेरीज, इसमें आप और भी बेरीज डाल सकते हैं, 5 से 10 बादाम कद्दूकस किए हुए या बारीक कटे हुए, फल जो भी इस सीजन में अवेलेबल हो वो डाल सकते हैं, इनको आप बारीक टुकड़ों में काट लीजिए। ओट्स बनाने के लिए एक चौड़े मुंह की कांच की बॉटल या कोई भी मर्तबान लीजिए जिसमें ढक्कन हो, उसे हम कस के बंद करके फ्रिज में रख सकते हैं। इसमें अब हम ओट्स और दही दोनों को डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इन ओट्स और दही को खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम ताजे फलों को छोड़कर बाकी सारी सामग्री जो हमने इकट्ठी की है ये सब दही और ओट्स के साथ मिक्स कर लेंगे। अब जो हमने सारी सामग्री इसमें डाली है इसको खूब अच्छी तरह से मिक्स कर ढक्कन लगाकर बोतल पर इसे फ्रिज में रख देंगे रात भर,
सुबह हमारा बहुत बढ़िया सा ब्रेकफास्ट तैयार हो जाएगा। अब हमने इसे फ्रिज में से निकाला है, देखिए ये कितना अच्छा गाढ़ा मिक्स बन गया है और जो ओट्स हमने डाले थे उन्होंने दही का पानी सारा पी लिया और वो फूल गए हैं। अब हम इसमें ताजे कटे हुए फल मिक्स करेंगे। अब हम इन फलों को इस मिक्स में अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये फल ताजे कट के डले हैं इसलिए ये बहुत ही अच्छा सा क्रंची फील देते हैं और बहुत टेस्टी लगते हैं। हमारा नाश्ता तैयार है, खाइए, एंजॉय करिए और इसे आप लेकर भी जा सकते हैं, जहाँ मर्जी हो जब मर्जी हो खा सकते हैं। कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो रेड बटन को क्लिक कर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपके पास लेटेस्ट अपडेट्स आते रहें। धन्यवाद। आज हम एक बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाएंगे जिसे हम ओवरनाइट ओट्स कहते हैं। ओट्स में बहुत सॉल्यूबल फाइबर होते हैं जो कि हमारे दिल को बहुत ही तंदुरुस्त रखते हैं। इसमें बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं जो हमारी मांसपेशियों के लिए बहुत अच्छे हैं। यह हमारे शरीर की चर्बी को भी कम करते हैं। बहुत देर तक हमें भूख नहीं लगती है ओट्स खाने के बाद। ये और बहुत सारे हमारे जो शरीर के पौष्टिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन्हें एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं। सामग्री जो कि हमें ब्रेकफास्ट बनाने के लिए चाहिए, 8 चम्मच ओट्स लिए हैं, 8 चम्मच दही, 1/4 चम्मच दालचीनी का पाउडर, यह ब्लड शुगर को भी कम करता है, 1 चम्मच शहद। शहद जैसा कि हम सब जानते हैं बहुत ही कम शुगर होती है इसमें, 1/2 चम्मच सिके हुए सनफ्लावर सीड्स, 1/4 चम्मच अलसी के सीड्स जो कि हमने सेक रखे हैं, 1 चम्मच ब्लूबेरीज, इसमें आप और भी बेरीज डाल सकते हैं, 5 से 10 बादाम कद्दूकस किए हुए या बारीक कटे हुए, फल जो भी इस सीजन में अवेलेबल हो वो डाल सकते हैं, इनको आप बारीक टुकड़ों में काट लीजिए। ओट्स बनाने के लिए एक चौड़े मुंह की कांच की बॉटल या कोई भी मर्तबान लीजिए जिसमें ढक्कन हो, उसे हम कस के बंद करके फ्रिज में रख सकते हैं। इसमें अब हम ओट्स और दही दोनों को डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इन ओट्स और दही को खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम ताजे फलों को छोड़कर बाकी सारी सामग्री जो हमने इकट्ठी की है ये सब दही और ओट्स के साथ मिक्स कर लेंगे।
अब जो हमने सारी सामग्री इसमें डाली है इसको खूब अच्छी तरह से मिक्स कर कर ढक्कन लगाकर बोतल पर इसे फ्रिज में रख देंगे। रात भर सुबह हमारा बहुत बढ़िया सा ब्रेकफास्ट तैयार हो जाएगा। अब हमने इसे फ्रिज में से निकाला है, देखिए ये कितना अच्छा गाढ़ा मिक्स बन गया है और जो ओट्स हमने डाले थे उन्होंने दही का पानी सारा पी लिया और वो फूल गए हैं। अब हम इसमें ताजे कटे हुए फल मिक्स करेंगे। अब हम इन फलों को इस मिक्स में अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये फल ताजे कट के डले हैं इसलिए ये बहुत ही अच्छा सा क्रंची फील देते हैं और बहुत टेस्टी लगते हैं। हमारा नाश्ता तैयार है, खाइए, एंजॉय करिए और इसे आप लेकर भी जा सकते हैं, जहाँ मर्जी हो जब मर्जी हो खा सकते हैं। कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो रेड बटन को क्लिक कर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपके पास लेटेस्ट अपडेट्स आते रहें। धन्यवाद।